स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बेकिंग सोडा की मदद से आप अपने अंडरआर्म्स का कालापन कैसे दूर कर सकते हो। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे दबाना भी मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको मेरे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों, बेकिंग सोडा ये इजिली अवेलेबल चीज है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी ऐसे बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, जिसके वजह से ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, बेकिंग सोडा हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है, जिसके वजह से हमारे चेहरे पर या हमारे स्किन पर अगर कोई भी डेड स्किन हो तो वो निकल जाती है। साथ ही साथ ये जो भी बॉडी पर काले दाग या फिर कालापन जिस भी बॉडी पार्ट पर आ गया है, वहाँ पर अगर आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें तो उसकी मदद से आपके स्किन का कालापन भी दूर हो जाता है। तो अगर आपके अंडरआर्म्स भी काले हैं और इसके वजह से आपको भी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, तो चलिए ये पूरा वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला तरीका। तो इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए आपको लेना होगा थोड़ा सा बेकिंग सोडा और उसमें मिला लीजिए पानी। पानी मिलाकर आप इसकी एक पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को आप अपने अंडरआर्म्स पर अच्छे से मसाज करते हुए लगाएं और इसे लगाकर आप 10 से 15 मिनट तक के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप पानी की मदद से या फिर लुक वार्म यानी थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लेकर अपने अंडरआर्म्स को वॉश कर लीजिए। इस उपाय को हफ्ते में 4 से 5 बार आपको ज़रूर करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके अंडरआर्म्स का कालापन दूर हो जाएगा और आपके अंडरआर्म्स गोरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका। तो इस तरीके में हम इस्तेमाल करने वाले हैं नींबू को। नींबू में होता है विटामिन सी और साथ ही साथ इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसके वजह से अगर आप बेकिंग सोडा और नींबू का रस इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अपने अंडरआर्म्स के एरिया में मसाज करें तो आपके बॉडी का और आपके स्किन का कालापन दूर हो जाता है। इस उपाय को दोस्तों आपको ऑल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़कर करना पड़ेगा और आपके अंडरआर्म्स पहले जैसे साफ सुथरे और गोरे हो जाएंगे। दोस्तों, बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका ये है कि आप बेकिंग सोडा को कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको अंडरआर्म्स में बदबू की प्रॉब्लम है तो आप नहाने के बाद इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें और इसे अपने अंडरआर्म्स पर लगा लीजिए। आपके अंडरआर्म्स से आने वाली बदबू दूर हो जाएगी और आप चैन की सांस ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ टिप्स आपके अंडरआर्म्स के कालेपन को दूर करने के लिए। अगर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हो और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी दबा लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ असरदार टिप्स और रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।